हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1997 में आई फेस ऑफ को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है शॉन से, जो कि अपने बेटे को लेकर एक पार्क में आया होता है। यहाँ पर दूर से एक बहुत बड़े किलर कैस्टर ने उसके ऊपर निशाना लगा करके रखा होता है। यहाँ कैस्टर का निशाना गलती से गलत हो जाता है और गोली शॉन के बेटे को लग जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और अब सीन शिफ्ट होता है 6 साल बाद का। यहाँ पर हम कैस्टर को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, और यहाँ पर वो एक बहुत बड़े बॉम्ब के सामने खड़ा होता है, जिसे वो एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम शॉन को देखते हैं, जो कि FBI में एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है और वो अपने काम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। यहाँ पिछले 6 साल से, जब से उसके बेटे की डेथ हुई है, वो रोज़ ही कैस्टर को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। शॉन की एक वाइफ होती है और एक बेटी होती है, जिसका नाम होता है जेमी। उनके साथ भी उसका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने केसेस को सॉल्व करने में ही लगा रहता है। क्योंकि जब तक वो अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले लेता है, तब तक उसे चैन तो नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से एयरपोर्ट पे कैस्टर को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने उसका भाई पॉलक्स होता है। पॉलक्स उससे छोटा होता है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और वो बॉम्ब जिसे कि पिछले सीन में कैस्टर ने लगाया था, उसे पॉलक्स ने ही डिज़ाइन किया था। कैस्टर यहाँ पे इस पूरे शहर को ब्लास्ट करने वाला था, इसीलिए वो पॉलक्स के साथ जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहता था। तो वो लोग एक प्लेन में बैठ जाते हैं और उनका प्लेन टेक ऑफ करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर FBI का अटैक हो जाता है। और उनके प्लेन के अंदर बैठी एक एयर होस्टेस भी FBI की एजेंट ही होती है। और अब यहाँ पर FBI हेलीकॉप्टर से और कार से उनका पीछा करने लगती है। यहाँ प्लेन के दोनों इंजन ख़राब हो जाते हैं और वो जा कर के सीधे एक बिल्डिंग में लड़ जाता है। और इसके बाद कैस्टर बाहर निकलता है और FBI और इसके बीच में फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में वो लोग पॉलक्स को तो पकड़ लेते हैं, पर कैस्टर वहाँ से भागने लगता है। तो शॉन उसका पीछा करता है और पीछा करते करते कैस्टर और शॉन आमने सामने आ जाते हैं। कैस्टर कोशिश करता है कि वो चकमा दे करके पीछे से अपनी दूसरी गन को निकाल ले, कि तभी वहाँ पर एक जनरेटर ऑन हो जाता है और वो सीधे उड़ करके लड़ जाता है एक जाल से और वहीं पर गिर जाता है। अब यहाँ पर बाकी सभी को ये लगता है कि कैस्टर की डेथ हो गई है। और अब नेक्स्ट सीन में शॉन अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, क्योंकि भले ही उसने कैस्टर को मार दिया हो, लेकिन इस पूरी फाइटिंग में उसके 3-4 साथी भी चले गए होते हैं। और वो इसी बात से उदास ही होता है कि तभी वहाँ पर उसकी एक कलीग आती है और उसे बताती है कि उन्हें पॉलक्स के पास में से एक हार्ड डिस्क मिली है। और उसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि पॉलक्स ने एक बहुत बड़े बॉम्ब का डिज़ाइन बनाया है, जिस बॉम्ब से पूरे शहर को उड़ाया जा सकता है। शॉन यहाँ पर कई सालों से कैस्टर का पीछा कर रहा था, तो ये बात उसे बहुत अच्छे से पता होती है कि ये बॉम्ब पक्का कैस्टर ने कहीं ना कहीं तो लगाया होगा, और इसीलिए वो पॉलक्स से बात करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो कोशिश तो बहुत करता है, पर पॉलक्स किसी के भी सामने मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं होता है, और वो बिना परमिशन के उसकी पिटाई भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें हार्ट अटैक से ये भी पता चल गया होता है कि बॉम्ब को फटने में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, तो अगर एक हफ्ते के अंदर उन्होंने पता नहीं लगाया कि बॉम्ब कहाँ पर है, तो पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा। यहाँ पर शॉन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पॉलक्स का मुंह कैसे खुलवाए, तो यहीं पर उसे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया जाता है और उसकी कलीग उसे लेकर के एक टॉप सीक्रेट जगह पर आती है, जहाँ पर उन्होंने अभी भी कैस्टर को जिंदा रखा होता है। यहाँ पर कैस्टर कोमा में होता है और यहाँ के डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी सर्जरी का इन्वेंशन किया है, जिसकी हेल्प से वो किसी का भी फेस किसी के भी ऊपर लगा सकते हैं। वो शॉन को आइडिया देते हैं कि वो कैस्टर के फेस की स्किन को कट करके उसके फेस के ऊपर लगा देंगे और उसके फेस की स्किन को अलग संभाल करके रख लेंगे। और बाद में शॉन यहाँ पर जेल में जाएगा और पॉलक्स से पूछ लेगा, क्योंकि पॉलक्स अपने भाई को तो सब कुछ ज़रूर बताएगा। और बॉम्ब कहाँ लगा है ये पता चलते ही वो लोग शॉन को वापस से बाहर बुला लेंगे और वापस से शॉन के ऊपर उसका ही चेहरा लगा देंगे। शॉन को भी आइडिया पसंद आता है, तो वो उसके लिए तैयार हो जाता है।
पर इसके लिए वो पहले घर जाता है और अपनी वाइफ से बोलता है कि वो एक मिशन पे जा रहा है, तो हो सकता है कि वो कुछ दिनों के लिए घर वापस नहीं आए। इस बात को लेकर के शॉन की वाइफ उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद भी शॉन अब भी अपने सिर्फ काम पर ही फोकस कर रहा है और अपनी फैमिली के ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। पर इसके बाद भी शॉन वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे अपने फर्ज को पूरा करना है। अब यहाँ पर उसका ऑपरेशन हो जाता है और अब उसके चेहरे के ऊपर कैस्टर का चेहरा लग चुका है और उसका अपना चेहरा अलग ही रखा होता है। यहाँ उसकी आवाज़ अलग होती है, तो वो एक डिवाइस की हेल्प से उसकी आवाज़ भी बदल देते हैं। और अब यहाँ से वो लोग उसे उसी जेल के अंदर डाल देते हैं जहाँ पर पॉलक्स को भी रखा गया था। ये जेल एक बहुत ही ज़्यादा सख्त जेल होती है, जहाँ पर किसी का भी निकलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। यहाँ पर सभी के पैरों में एक ऐसे मेटालिक शूज़ पहनाए जाते हैं जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, और हमेशा फ्लोर मैग्नेटिक रहती है, तो उनके जूते हमेशा ज़मीन से चिपकते रहते हैं, और इसीलिए वो जब चाहे तब किसी को भी कहीं पर ही फ्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे ही शॉन अंदर जाता है, यहाँ पर एक आदमी से उसका झगड़ा हो जाता है, क्योंकि शॉन को नहीं पता था पर कैस्टर ने उस आदमी की बहन और वाइफ के साथ काफ़ी पहले चक्कर चलाया था। यहाँ उन दोनों की फाइट होती है और खुद को कैस्टर प्रूफ करने के लिए शॉन यहाँ पर उस आदमी को बहुत गिरा के मारता है। पर तभी वहाँ पर कॉप्स आ जाते हैं और उन दोनों को ही इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद शॉन यहाँ पर पॉलक्स से मिलता है, जहाँ पर पॉलक्स को उसके ऊपर शक होता है और वो शॉन से पूछता है कि वो मेडिसिन कौन सी है जो पॉलक्स रोज लेता है। अब क्योंकि शॉन यहाँ पर कैस्टर को 6 सालों से जान रहा था, तो उसे इसके बारे में भी पता होता है और वो सही सही मेडिसिन का नाम बता देता है। इसी के साथ पॉलक्स को भी विश्वास हो जाता है और वो बातों ही बातों में उसे उस जगह के बारे में बता देता है जहाँ पर उन्होंने बॉम्ब को लगाया है। पर दूसरी तरफ इसी वक्त में वो जगह जहाँ पर कैस्टर को कोमा में करके रखा गया होता है, वहाँ पर वो कोमा से बाहर आ जाता है। साथ ही में यहाँ पर उसके 2 साथी और आते हैं जो कि उसे छुड़ाने के लिए आए थे। यहाँ पर सबके बीच में फायरिंग होती है और एंड में वो हर किसी को मार देता है, लेकिन डॉक्टर को पकड़ के रखता है। और अब यहाँ पर वो शॉन का चेहरा अपने चेहरे पर लगवा लेता है, तो मतलब कि अब शॉन के चेहरे पर कैस्टर का चेहरा है और कैस्टर के चेहरे पर शॉन का चेहरा है। और यहाँ से ये दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी जीने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शॉन को पता चल गया था कि बॉम्ब कहाँ पर लगा हुआ है, तो वो जल्दी इस बात के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करने जा रहा था, पर तभी वहाँ पर कैस्टर उससे मिलने आता है खुद उसी के रूप में। कैस्टर को अपने रूप में देख करके शॉन सारी बात समझ जाता है और कैस्टर उसे ये बताता है कि ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट था और जिसके सभी एजेंट को उसने मार दिया है, तो अब ऐसा कोई भी इंसान नहीं बचा है जो ये बता सके कि अभी दिख रहा कैस्टर रियल में शॉन है। और ऐसा बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से निकल करके कैस्टर शॉन की वाइफ और उसकी बेटी से मिलता है, जहाँ पर वो उसकी बेटी को बहुत ही गंदी नज़र से देखता है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पॉलक्स छूट रहा होता है। असल में यहाँ पर कैस्टर ने पॉलक्स को गवर्नमेंट का विटनेस बना दिया होता है, और जिसकी वजह से पॉलक्स इस सज़ा से आज़ाद हो जाता है। यहाँ से उसे दोबारा से FBI के ऑफिस में लेकर के आया जाता है, पर यहाँ पर पॉलक्स किसी को भी कुछ भी नहीं बता रहा था। पर सबके जाने के बाद उसके पास कैस्टर आता है और कैस्टर उसे बताता है कि उसका प्लान है कि वो इस वाले बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर हीरो बन जाएगा और फिर गवर्नमेंट में अपनी इतनी भारी पोजीशन की हेल्प से वो एक एक करके अपने सभी दुश्मनों को मार देगा और इसके बाद वो अपना चेहरा वापस भी ले लेगा। पॉलक्स को भी उसका आइडिया पसंद आता है और इसके बाद कैस्टर FBI के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो बॉम्ब लगा होता है। अब और कोई भी इस बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं कर पा रहा था, तो यहां पर कैस्टर सभी को बाहर भेजता है, और क्योंकि वो बॉम्ब इसी ने लगाया था तो उसे उसके सारे पासवर्ड पता होते हैं और वो आसानी से इस बॉम्ब को रोक देता है। लेकिन ऐसा करते ही वो सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है और जेल में बैठे बैठे शॉन ये सब कुछ देख रहा होता है। अब यहाँ पर शॉन प्लान बनाता है इस जेल से भागने का, तो यहाँ पर एक आदमी से उसे पता चलता है कि बिना इन बूट्स को उतारे वो यहाँ से नहीं भाग सकता है और ये बूट्स सिर्फ मेडिकल रूम में जाने के बाद ही उतरते हैं। तो यहाँ पर शॉन एक कॉप की पिटाई करके उससे झगड़ा कर लेता है और उसके हाथ से उसकी सिगरेट को ले लेता है।
अब उसकी इस बदतमीजी पर कॉप उसे पकड़ करके मेडिकल रूम में लेकर के आते हैं, जहां पर पहले से वही बंदा बैठा होता है जिसका शॉन के साथ जेल में आते ही झगड़ा हुआ था। यहाँ पर उसे बहुत ही गंदी तरह से मेंटल टॉर्चर किया गया था और अब वो बेहोश होकर के पड़ा होता है। और अब यहाँ पर शॉन की बारी आ जाती है। अब उसके जूते हटा दिए जाते हैं और शॉन यहाँ पर अपनी सिगरेट को जलाने के लिए बोलता है तो कॉप्स उसकी सिगरेट भी जला देते हैं। अब इसके बाद वो उसी आदमी से हेल्प मांगता है जो कि बेहोश होकर ज़मीन पर पड़ा होता है। वो कहता है कि उसने उसकी बहन और वाइफ के साथ कोई भी चक्कर नहीं चलाया है और उन दोनों को साथ में यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सुनते ही उस आदमी के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और वो वहीं पर सबके साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। मौका पा करके शॉन भी अपनी चेयर से उठ खड़ा होता है और अब यहाँ पर सबके बीच में फाइटिंग शुरू हो जाती है और वो लोग लड़ते लड़ते कंट्रोल रूम के पास में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर पहुँच करके शॉन यहाँ का सारा सिस्टम खराब कर देता है, जिसकी वजह से अंदर पड़े कैदी भी एक दूसरे को मारने लगते हैं और गार्ड की तरफ से ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। पर इस सबके बीच में वो आदमी मारा जाता है और शॉन उसे बचा नहीं पाता है। पर जैसे तैसे शॉन यहाँ पर ऊपर का रास्ता ढूंढ करके छत पे आता है और अब उसे पता चलता है कि ये जेल तो पानी के बीचों बीच बनी है। ये देखते ही उसे बहुत गुस्सा आता है और तभी सामने से चौपर में बहुत सारे गार्ड्स उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पानी में छलांग लगा देता है। और अब नेक्स्ट सीन में जब ये सारी बातें कैस्टर को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि शॉन अभी भी जिंदा है, जबकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो पानी में डूब करके मर गया है। यहाँ पर हम सच में शॉन को जिंदा देखते हैं, जहाँ पर वो एक कार को चुराता है और फिर अपनी वाइफ को कॉल करता है। यहाँ वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है पर उसकी वाइफ को ये कोई प्रैंक कॉल लगता है तो वो कॉल कट कर देती है। अब इसके बाद यहाँ से शॉन एक ड्रग लॉर्ड के पास में जाता है जो कि रियल कैस्टर का दोस्त होता है। यहाँ पर उसे उसी ड्रग लॉर्ड की बहन भी मिलती है जिसका कैस्टर के साथ रिलेशनशिप होता है और उन दोनों का एक बेटा भी होता है। दूर से पॉलक्स उनके ऊपर नजर रख रहा था और वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं ये सारी बातें वो कैस्टर को बता देता है। सुनकर के कैस्टर को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी FBI की टीम को लेकर के उसे ड्रग लॉर्ड के अड्डे पर हमला कर देता है। अब इस पूरी फायरिंग में शॉन यहाँ पर बस उसी बच्चे जिसका नाम होता है एडम उसे बचा रहा होता है और कैस्टर जो कि एडम का रियल पिता है उसे अपने बेटे की ही जरा सी भी परवाह नहीं होती है। यहाँ उन सबके बीच में ज़बरदस्त फायरिंग होती है जिसमें वो ड्रग लॉर्ड भी मारा जाता है, लेकिन उस ड्रग लॉर्ड की बहन और एडम वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ शॉन और कैस्टर ही बचे होते हैं। उन दोनों के बीच में भी आपस में फायरिंग होती है जिसमें मौका पाकर के शॉन वहाँ से बच कर के निकल जाता है और छत पर पहुँच जाता है। यहाँ पर छत पर उसे पॉलक्स दिखता है जिसे वो उठा करके वहीं से नीचे फेंक देता है और पॉलक्स के नीचे गिर करके डेथ हो जाती है। लेकिन इस पूरे चक्कर में शॉन को एक बुलेट भी लग जाती है तो घायल शॉन यहाँ से अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। अब क्योंकि उसकी वाइफ को तो नहीं पता था और उसे तो सामने कैस्टर दिख रहा था, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। यहाँ पर शॉन उसे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है लेकिन क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई भी होती है तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर शॉन उसे बोलता है कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और कैस्टर का ब्लड ग्रुप AB है, तो अगर उसे सच जानना है तो वो उनके ब्लड ग्रुप को टेस्ट करके देख सकती है। शॉन की वाइफ एक बहुत अच्छी डॉक्टर होती है तो ये उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और ऐसा बोल करके शॉन वहाँ से निकल जाता है। रात में जब यहाँ पर कैस्टर सो रहा होता है तो शॉन की वाइफ यहाँ पर चुपके से उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल लेती है और फिर अपने हॉस्पिटल में जा करके उसे टेस्ट करती है और उसे पता चल जाता है कि ये ब्लड ग्रुप तो AB है। और इसके बाद तभी वहाँ पर शॉन भी आ जाता है और अब यहाँ पर शॉन वो दोनों कैसे मिले उसकी स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद उसकी वाइफ को यकीन हो जाता है कि कैस्टर की शक्ल में शॉन है और अब वो उसकी ड्रेसिंग भी कर देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर कैस्टर भी सुबह उठ करके देख लेता है कि उसके बगल में शॉन की वाइफ नहीं होती है, इसीलिए वो अपने आदमियों के साथ जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में जाता है। पर तब तक यहाँ से शॉन भाग चुका था तो उसे कुछ पता नहीं चल पाता है, पर फिर भी वो उसकी वाइफ को देख करके समझ जाता है कि कुछ तो छुपा रही है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर कैस्टर और शॉन की वाइफ ये दोनों ही विक्टर नाम के शॉन के सीनियर के फ्यूनरल में जा रहे होते हैं, जिसे कि खुद कैस्टर ने ही ऑफिस में मार दिया था,
और हार्ट अटैक आ गया है ऐसा बोल दिया था। शॉन भी उसके फ्यूनरल में पहुंच जाता है, क्योंकि अब विक्टर के मरने के बाद जल्दी ही शॉन FBI का सीनियर बन जाएगा और उसके बाद उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। पर आज इस फ्यूनरल में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती है और यहाँ पर शॉन आसानी से कैस्टर को पकड़ सकता है। यहाँ सबके जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे का गन पॉइंट पर ले लेते हैं कि तभी वहाँ पर कैस्टर के आदमी शॉन के वाइफ को पकड़ कर कर ले कर के आते हैं और कैस्टर के बीच में खड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर तब भी उसे ड्रग लॉर्ड की बहन भी आ जाती है जो कि कैस्टर को पसंद करती है, और अब ये सभी एक दूसरे को गन पॉइंट पर लिए होते हैं कि तभी उनके बीच में आपस में फायरिंग शुरू हो जाती है जिसमें ड्रग लॉर्ड की बहन की डेथ हो जाती है और बाकी लोग भी मारे जाते हैं। और अब यहाँ पर कैस्टर, शॉन और शॉन की वाइफ ही बचे होते हैं कि तभी वहाँ पर जैमी भी आ जाती है जैसे कि कैस्टर का ही आदमी लेकर के आया था। यहाँ पर जैमी को पता नहीं होता है कि शॉन उसके पिता है जो कि इस वक्त कैस्टर की शक्ल में है, इसीलिए वो गन लेकर के उसे शूट कर देती है और कैस्टर के पास चली जाती है जिसकी शक्ल इस वक्त शॉन की तरह लग रही थी। पर अब यहाँ पर कैस्टर जैमी को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और वो उसे शूट ही करने वाला था कि तभी यहाँ पर जैमी अपने हाथ में से एक चाकू निकालती है और ये चाकू उसे खुद कैस्टर ने ही एक बार दिया होता है जब उसका BF उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, और ये देखने के बाद कैस्टर ने उसको ये चाकू दिया था और इसे चलाने का तरीका भी बताया था। यहाँ पर जैमी उसे चाकू को कैस्टर के ऊपर ही चला देती है और अब इसके बाद कैस्टर वहाँ से भागने लगता है। शॉन कैस्टर का पीछा करता है और अब इनके बीच में एक बोट चेज होती है, और दूसरी तरफ इसी टाइमिंग में शॉन की वाइफ FBI में कॉल करके उन्हें सारी बात बता देती है। वो लोग भी उसकी बातों पर बिलीव कर लेते हैं क्योंकि शॉन का बिहेवियर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा बदला हुआ था, क्योंकि वो रियल शॉन तो था ही नहीं, वो तो कैस्टर था। दूसरी तरफ यहाँ पर बोट चेस करते करते वो लोग दोबारा से ज़मीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर तभी पूरी FBI की टीम आ जाती है और अब उन्हें पता होता है कि रियल शॉन कौन है, और वो लोग शॉन जो कि कैस्टर की शक्ल में होता है उसी को सर बोलते हैं। और ये सुनते ही फाइनली शॉन रिलैक्स फील करता है और अब वो लोग जाकर के कैस्टर को भी पकड़ लेते हैं। यहाँ शॉन की वाइफ उसे बताती है कि ये लोग दुनिया के बेस्ट सर्जन्स को लेकर के आ रहे हैं जो कि उसका चेहरा उसे वापस कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शॉन के पास उसका चेहरा वापस आ गया है, और अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद उसकी फैमिली भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। यहाँ पर वह एडम को भी लेकर के आता है, क्योंकि एडम की माँ की तो डेथ हो गई थी और उसके पिता कैस्टर को तो उसकी कुछ परवाह ही नहीं थी, और अब कैस्टर भी मर चुका होता है। 5 साल पहले जो उनके बेटे की डेथ हुई थी वो भी बिल्कुल एडम की तरह ही लगता था, तो वो लोग उसे देखते ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में मेन एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।